हेलो फ्रेंड्स, सभी लोग का प्यार भरी नमस्कार। कैसे आप सब? आशा करते हैं सभी लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए, नेहा दीदी के चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोग के अपना दिनचर्या बताने जा रहे हैं। आप लोग को आप लोग दिनचर्या हमारे जानने के लिए आप लोग अवश्य बैठिएगा और अवश्य वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोग के अपना दिनचर्या बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोग देख सकते हैं कि आज ठंड बहुत लग रहा था, क्योंकि आज पाला सुबह में जब हम उठे थे तो देखे कि बहुत पाला गिरा हुआ था। तो क्या दोस्तों, आप लोग भी तो ये सब जानते होंगे कि आज ठंड बहुत लग रहा था। रुको बाबू, छोड़ दो ना बेटा, खेलो ना। तो चलिए दोस्तों, आज तो ठंड लग रहा था क्योंकि आप तो कल भी जैसे इस तरीके से हवा चल रहा था। आज तो आप लोग सुबह भी उठे होंगे तो आप लोग पूरा पर या फिर बाहर में जैसे देखे होंगे कि पाला परा हुआ था। क्यों दोस्तों, परा था ना? चलिए दोस्तों, ये तो आप लोग कमेंट करके ही बताइएगा और सब्सक्राइब करके ही बताइएगा। इस तरीके से तो हम नहीं जान पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपना दिनचर्या बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम सबसे पहले सुबह उठे तो बच्चे लोग को सबसे पहले तो हम जैसे बाहर निकले तो देख मुझे बहुत ठंड लगा। और जैसे हमारे साथ बच्चे लोग भी उठ गए थे, लेकिन उसको उन लोग को बाहर लेकर के नहीं आए थे, तो केवल हम पर बाहर निकले थे। तो देखे कि बहुत ठंडा बहुत लग रहा है और पाला भी देखे कि बहुत पड़ा हुआ है। क्या हुआ बाबू? तो चलिए दोस्तों, हम आप लोग आज अपना दिनचर्या बताने जा रहे हैं। तो देखिए, सुबह उठे तो बच्चे लोग को सारा तैयार किए, जैसे स्वेटर टोपी वगैरह सारा पहनाए। नहीं पहन रहे थे लेकिन उन लोग को ज़बरदस्ती पहनाना पड़ा। और जिस तरीके से उन लोग किया उसी तरीके से बच्चे जैसे उन लोग जैसे किया उस तरीके से हम लोग को भी करना पड़ता है, तो ही बच्चे लोग पहनते हैं, नहीं तो नहीं पहनते हैं। क्योंकि अंदर रूम में उतना ठंड नहीं लगता है, इसके वजह से उन लोग को पता नहीं चलता है। कमल में से निकले हुए रहते हैं तो उन लोग को पता नहीं चलता कि ठंड, बाहर निकलते तब ना उन लोग को पता चलता। तो देखिए दोस्तों, बच्चे लोग को तो पहले ऐसे निकाल नहीं सकते, तो उन लोग को पहना है स्वेटर टोपी वगैरह और जूता मोजा सब पहना करके तो उन लोग को बाहर निकाले। तो बाहर निकाले तो हम सारा बर्तन वगैरह निकाले, झाड़ू वाड़ू लगाए, उसके बाद तो फिर हम आग जला दिए। तो आग जलाने के बाद तो उनके पापा जो थे आग के पास लेकर बच्चे लोग को बैठे, और अय्या जो थी तो बाहर निकले। गाय गोरु जो हैं, गाय वगैरह सारा गाय दिन सहारने लगे, और उनके पापा बच्चे लोग को लेकर के बैठे। पहले गाय बांध लिए, गाय चेंज किए, गाय के सुबह भोजन लगाने के लिए पूरा वगैरह चेंज करके उसके बाद बच्चे लोग को लेकर के बैठे। फिर हम बर्तन वगैरह सब धो करके आए तो हम खाने की तैयारी करने लगे। आज हम बनाए थे चावल दाल और चटनी बनाए थे, कुर्थी के दाल और टमाटर का चटनी बनाए थे। कुर्थी के दाल के साथ चटनी बहुत टेस्ट और स्वादिष्ट लगता है, तो आज हम वही बनाए थे। और थोड़ा सा रोटी लगाए थे बच्चे लोग के गाँव उठे खाने के लिए। और जैसे कि बच्चे लोग को जैसे कि खांसी जैसा था बच्चे लोग का, तो हम रोटी लगा दिए तो बच्चे लोग गुड़ से खा लिए। और उसके बाद धूप निकल गया तो चावल दाल चटनी वगैरह सारा चीज़ खाए। तो हम खाना वाना बना लिए, उसके बाद फिर हमें स्नान ध्यान किए और उसके बाद खाना पीना खाया अच्छे से। और उसके बाद हम बाहर में आग जलाए, क्योंकि आज इसलिए जलाएं कि हमें आज लाई बांधना था। ये देखिए, आज हम लाई बांधे हैं, और जो कि मुरमुरे लेकर के आए थे शाम को मार्केट से, एक बोरा लाए थे। ये 7 किलो हैं, कह रहे थे कि 7 किलो, हम लोग पूछे कितने हैं तो 7 किलो बता रहे थे। और आज हम लोग जो है जो धान होता है लाई बांधने वाला, वो हम नहीं उसने थे इस बार। 2 साल से नहीं हो रहा है, पहले तो उसी दे रहे थे पर 2 साल से नहीं उसना रहा है। 2 साल से इसी तरीके से हम लोग ले आते हैं, बच्चे लोग भी खाने के लिए पूरा रोने लगते हैं। तो एक बोरा ले आए थे तो अभी और बांधे हैं और नहीं बांधे हैं। तो चलिए दोस्तों, बांध दिए हैं। ये देखिए कितना कुरकुरा टाइप पर है, दिख रहा है गोला गोला, और इसमें छोटा बड़ा साइज दोनों हैं। और इसमें हम बादाम भी डाले हैं, बादाम जैसे कि इससे आधा कटोरी डाले हैं, लाए थे
उसके बाद क्या किए कि गोटा निकाल करके पूरा सुबह में ही किए थे हम, और उसको कढ़ाई में भूजे और फिर हाथ के सहारे से उसको पूरा खोलाई निकाल दिए, खोलाई निकाल के फटक बना करके अच्छे से उसको इसमें जो है मिक्स कर दिए। ज़्यादा हम नहीं बनाए थे, टकी में लिए थे तो एक टकी पूरा लिए थे, और उसके बाद हम इसे जिस इसके अंदर जो है ना एक प्लास्टिक भी है, प्लास्टिक में देखिए ये देखिए एक प्लास्टिक में अंदर से पैक किया हुआ है, और देखिए ये देखिए मेरा मुरमुरे है और ये नमक टाइप पर है हल्का, और लेकिन कुरकुरा है, अच्छा लगता है खाने में। तो हम इसको जो है बांध करके इस तरीके से रख दे रहे हैं क्योंकि फिर हमें बांधना होगा, फिर से हमको बांधना होगा, तो अभी तो हम बांध लिए हैं लेकिन फिर बांधेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज तो मेरा दिनचर्या यही था, अपना तो दिनचर्या बता दिए, तो आप लोग अपना अपना दिनचर्या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसी तरीके से आप लोग अपना भी दिनचर्या बताते रहिएगा, और हम तो इसी तरीके से अपना दिनचर्या रोज़ बताते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज अब हम आप लोग से क्या कहें, यही तो मेरा था आज। तो देखिए अब शाम हो चुका है, और शाम होने चल दिया है, 4 बज गए हैं, तो देखिए अब मुझे ठंड भी लगने लगा, तो हम अभी 3:30 बजे हम बर्तन वगैरह सारा धोए, और बच्चे लोग से उससे पहले बच्चे लोग को खाना खिलाए पिलाए, और बर्तन वगैरह धोए, झाड़ू पोछा किए, अरे पोछा क्या है, झाड़ू लगाए, उसके बाद चूल्हा चौका पूरा सहारे लीपे, पूरा लीप करके अच्छे से, यही बच्चे लोग को अब जा रहे हैं बाहर खेल रहे हैं बच्चे लोग, उन लोग को जैसे कि अभी टीवी रूम में है, उन लोग टीवी रूम में ही खेल रहे थे क्योंकि उन लोग के टीवी रूम में भिड़ा दे कि बर्तन वगैरह हमको धोना था, और जो गाय दें हमको अभी गाय दें सहारना था, पूरा पूरा वगैरह लगाए, और पूरा वगैरह लगा करके अभी हम अंदर आए हैं पानी वगैरह ले करके, अब बच्चे लोग को गर्म पानी जा रहे हैं गैस पर, थोड़ा सा पानी गर्म कर देंगे, उन लोग को पैर हाथ धोएंगे और उसके बाद उन लोग को तेल लगाएंगे, और फिर से स्वेटर टोपी पहना देंगे क्योंकि हमें शाम को खाना बनाना होगा, जल्दी हम बनाते हैं क्योंकि हमारे पिताजी जो हैं वहाँ पे जो हम लोग का पेट्रोल टंकी चट्टान पर जो है हम लोग को वहाँ पे घर बन रहा है, तो हमारे पिताजी वहीं पे रहते हैं और आते हैं खाना पीना खा करके वहीं चले जाते हैं, क्योंकि बहुत सामान भी वहाँ पे घर बन रहा है तो सामान तो रहेगा ही, तो पिताजी वहीं पे अपना सामान वगैरह देखते रहते हैं, देख रेख के लिए वहीं पे रहते हैं वो, और घर है तो अब इसी तरीके से छोड़ तो नहीं सकते, अब ढालना है। तो चलिए हम आप लोग को एक बार तो दिखाए थे कि जो कि हम लोग का रेक को ढलाया था, तो हम वहाँ पे गए थे और हम नानी के यहाँ जा रहे थे, तो उसी रास्ते से गए थे, तो हम आप लोग के दिखाए थे कि किस तरीके से हम लोग का बना हुआ है। तो चलिए अब तो तैयार हो जाएगा तो जाएंगे ही, जैसे कि ढलाएगा तो हम लोग भी तो जाएंगे, आगे पीछे तो जाना ही रहता है, दूर है ना इसके वजह से नहीं जा पाते हैं, जा पाते लेकिन बच्चे लोग छोटे छोटे हैं, गोदी लेकर के ना जाने में बहुत परेशानी होता है, और ये फिर चले जाते हैं दुकान पर तो सुबह बोलते हैं सुबह ठंड लगता है, और रात में शाम को आते हैं रात में, तो कैसे जाएं हम लोग, तो नहीं जा पाते हैं, और बच्चे लोग भी छोटे छोटे हैं, ले करके जाने में भी अच्छा नहीं लगता है, इसी के वजह से नहीं गए, जा रहे थे जब कुछ काम ज़रूरी रहता है तो जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते हैं। चलिए दोस्तों, हमें तो ठंड लगने लगा है, तो ये देखिए हमने शॉल जो कि हम कल ये लिए हैं, अच्छा रेड कलर का है, अच्छा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, बाबू भी आ गया टीवी रूम से, उसको भी जा रहे हैं स्वेटर टोपी पहने, क्या हुआ बाबू अब हम भी इसे स्वेटर टोपी पहनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, नेहा दीदी का चैनल अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, बाय बाय। क्या हुआ बाबू, आए।